वीडियो में हम देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नंबर सिस्टम। हम किसी भी स्ट्रीम से कोई भी सीएस की डिग्री ले रहे हों, चाहे हम बी कर रहे हों, चाहे बीटेक कर रहे हों, चाहे एमटेक कर रहे हों, एमसीए कर रहे हों, बीएससी कर रहे हों, बीसीए कर रहे हों, डिप्लोमा इन कंप्यूटर कर रहे हों, कुछ भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री ले रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना पड़ता है और एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। कहीं भी ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इस नंबर से इस नंबर में सिस्टम में आप कन्वर्ट करके बताइए। तो आज देखेंगे नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है और कितने टाइप के नंबर सिस्टम है जिसमें कन्वर्जन पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, तो इनका आपस में कन्वर्जन किस तरीके से परफॉर्म करना है और ऐसे हमें पढ़ना है ताकि हम हमेशा इसे याद रख सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक बात कहना चाहूंगी, बहुत अफसोस होता है कि आपके हमारे जो वीडियो हैं आपके लिए जो हम बनाते हैं आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आपको कोई भी सीएस से रिलेटेड वीडियो यदि मेरा देखना है, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट कवर किए अपने चैनल पर, सी, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो आप बस सब्जेक्ट का टॉपिक नेम डालिए या सब्जेक्ट नेम डालिए, बाय ज़ीनत हसन कीजिए, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज़ आपको मेरा कोई भी वीडियो देखना है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे देखेंगे कोई वीडियो? आप सपोज़ ये वाला वीडियो मैंने क्लिक किया और ये अपने चैनल का वीडियो मैं देख रही हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड हैं, यानी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो मैं इसे इस चैनल नेम पर क्लिक करूँगी। चैनल नेम पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें चैनल का व्यू दिखाई देता है, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी और ये चैनल और ये अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी टैब पर जो मैं पोस्ट करती रहती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए वो दिखाई देगा। यहां पर प्लेलिस्ट जो आप देखना चाहते हैं, मेरे प्लेलिस्ट जो मैंने अपलोड करके रखे हैं मेरे चैनल पर, जैसे ये जावा प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर, जॉब फॉर यू, डेटा स्ट्रक्चर, प्लेलिस्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की लाइव क्लास की प्लेलिस्ट, एचटीएमएल की प्लेलिस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट, सी प्रोग्रामिंग के टॉपिक ऑन डिमांड, सी प्लस प्लस, स्टूडेंट सपोर्ट, प्लेलिस्ट ऑफ यूजीसी नेट, जावा प्रोग्राम की अलग से बनाई है हमने, कंप्यूटर ग्राफिक्स की बनी हुई है, कंप्यूटर नेटवर्क की बनी हुई है, फंडामेंटल ऑफ ऑप्स की बनी हुई है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर जो भी आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, कौन कौन से वीडियो अपलोड हैं, उस पर क्लिक करके आप जो है स्क्रोलिंग करके देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियो हमने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अपलोड करके रखे हुए हैं। दूसरा तरीका यह है कि सर्च में आप डालिए कोई भी टॉपिक नेम बाय ज़ीनत हसन। जैसे आपको डालना है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ज़ीनत हसन, बाय ज़ीनत हसन, ठीक है, या जो भी आपको डालना है, तो ये भी आपको एक ऑप्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऊपर सारे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो दिख जाएगी। ठीक है, तो ये रही हमारी कुछ सलाह आपके लिए कि आपको वीडियो जो मिलते नहीं हैं, आप परेशान होते हैं, तो आज का टॉपिक आइए कवर करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। जो हम अभी तक नंबर यूज करते आए हैं वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हुए आए हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 0 से 9 मतलब 10 सिंबल यूज करते हैं। नंबर सिस्टम एक्चुअली नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे हमें कुछ चीज लिखना है, अगर हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है 12, तो इसमें 1 और 2 डेसिमल में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन अगर बाइनरी है, बाइनरी मतलब 0 और 1, इसमें 2 सिंबल यूज होते हैं, तो इसमें ये 2 सिंबल का यूज नहीं करेंगे, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन करके 1 to 12 लिखेंगे। कैसे लिखना है वो हम अभी देखेंगे। अभी हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि हमें जितने नंबर ऑफ सिंबल दिए जाते हैं उस सिंबल का यूज करते हुए ही हमें पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि उसकी सही वैल्यू हम उसको पता लगा पाएं। ठीक है, जैसे ये लिखा है 12, डेसिमल में इसकी वैल्यू 12 है। अगर मैं इसे 10 के फॉर्म में लिखती हूँ तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग रहेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 12 ही आएगी। कैसे आएगी वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट का यूज करते हैं, जिसे हम सिंबल भी कह सकते हैं। 0 से 9 तक 10 सिंबल अगर मैं यूज कर रही हूँ तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा, जिसे हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें हम 0 to 9 10 सिंबल यूज करेंगे या 10 डिजिट यूज करेंगे। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हमें लिखना है 0 और 9 के कॉम्बिनेशन से ही हमें लिखना होगा। ठीक है,
फिर होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। एक और बात बता दूं यहाँ पर, ये जो नंबर ऑफ सिंबल होते हैं या डिजिट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें 10 डिजिट या 10 सिंबल हम यूज कर रहे हैं, तो ये बेस 10 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस 10 नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें हम कितने यूज कर रहे हैं, 10 डिजिट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम सेकेंड वाला, जिसमें हम 2 सिंबल यूज करेंगे, 0 और 1। तो ये क्या कहलाएगा? बेस 2 नंबर सिस्टम। इसका बेस कितना कहलाएगा? जितने डिजिट होते हैं, जितने सिंबल होते हैं, वो उसके बेस कहलाते हैं। तो ये होगा बेस 2 नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो यहां पर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितने हो गए? टोटल 8 सिंबल। तो 8 सिंबल यूज करेंगे और इसका बेस कितना कहलाएगा? 8। बेस 8 नंबर सिस्टम ऑक्टल, बेस 2 नंबर सिस्टम बाइनरी, बेस 10 नंबर सिस्टम डेसिमल। फिर है हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 16। तो इसमें हम 16 सिंबल यूज करेंगे। 16 सिंबल कौन कौन से यूज करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो हो गए 10 सिंबल जो हम डेसिमल में करते थे। इसके बाद 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। लेकिन ये 10, 11, 12, 13, 14 ये नहीं यूज करेंगे, इसकी जगह यूज करेंगे 10 की जगह यूज करेंगे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये जो सिंबल है 0 से लेकर 9 तक और ए बी सी डी ई एफ, ये कितने हो गए? 16 सिंबल हो गए। तो ये 16 सिंबल को यूज करेंगे हम हेक्साडेसिमल में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया ये कौन सा कहलाएगा, बेस 16। तो अभी हमने बेसिकली ये समझा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम से हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। हमें कोई नंबर सिस्टम दिया जाता है, जैसे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। अगर हमें उसमें कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, कोई भी नंबर हो सकता है, 700 होता है, 99 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है दुनिया का, तो हम उसी डिजिट को यूज़ करते हुए, जितने उसमें एप्लीकेबल हैं उसी डिजिट को यूज़ करते हुए, उसी सिम्बॉल को यूज़ करते हुए उस नंबर को लिखते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है, लेकिन ये नंबर की जो वैल्यू है, जो उसका मान है, वो एक ही आता है। जैसे 799 अगर आपको लिखना है तो डेसिमल में आप 799 लिख देंगे, है ना। बाइनरी में आप 0 और 1 के फॉर्म में कुछ इसका कॉम्बिनेशन आएगा, क्या आएगा वो मुझे कन्वर्ट करके आपको बताना होगा। तो डेसिमल में अलग आएगा, जिसमें 0 और 7 तक के कॉम्बिनेशन आएंगे, और हेक्साडेसिमल में 0 से F तक के कॉम्बिनेशन में इस पर्टिकुलर नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हमें देखना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि जितने नंबर ऑफ सिंबल होते हैं उसी के द्वारा किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और वही कहलाता है नंबर सिस्टम, जो कि है डेसिमल, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। शुरुआत में हम समझेंगे कि ये जो 3 नंबर सिस्टम जो हम नए देख रहे हैं अभी, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो हमें पता ही है, तो इनका आपस में कैसे कन्वर्जन करना है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जब दिए रहते हैं बाइनरी, ऑक्टल या फिर डेसिमल दिया रहता है, तो इनका आपस में कन्वर्जन कैसे परफॉर्म करना है, मतलब कि डेसिमल से बाइनरी कैसे करना है, डेसिमल से ऑक्टल कैसे करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे करना है, और इसका वाइस वर्सा। और इन तीनों को हम टेबल के रूप में कन्वर्ट करके देखना चाह रहे हैं, इसलिए सबसे पहले जो इजिएस्ट तरीका है टेबल यूज करते हुए, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, जिसमें हम देखेंगे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में आपस में कन्वर्जन किस तरीके से परफॉर्म होता है। चलिए अब हम देखते हैं कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। क्यों मैं आपको इजीएस्ट वे में बताना चाह रही हूँ, ताकि आप ये हमेशा याद रख सकें कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कॉपी में, बुक में और किसी और वीडियो में देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम इजीएस्ट वे से शुरू करते हैं
और फिर जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उस तरफ हम बढ़ेंगे। तो जो इजीएस्ट वे है वो है टेबल का यूज करते हुए बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में आपस में कन्वर्जन परफॉर्म करवाना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाइनरी से ऑक्टल में कैसे करना है और ऑक्टल से बाइनरी में कैसे करना है। देखिए, जब भी टेबल का जब मैं नाम ले रही हूँ, टेबल का यूज करेंगे, टेबल हम बनाना सीखेंगे यहाँ पर, तो ये कब हमें टेबल का यूज करना है, जो हमने अभी तक नंबर सिस्टम यूज किया है डेसिमल नंबर सिस्टम, जब भी आपके क्वेश्चन में डेसिमल का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है तब भी आप यूज कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का कन्वर्जन आ गया, चाहे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये आपस में तीनों का किसी भी तरीके से कन्वर्जन आ गया तो आप टेबल का यूज कर सकते हैं। या एक और तरीका है याद रखने का, ये बाइनरी जो होता है जिसमें टू सिंबल हम यूज करते हैं, ऑक्टल में हम 8 सिंबल यूज करते हैं और हेक्सा में हम 16 सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 4, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम 10 सिंबल यूज करते हैं, इसको 2 की पावर में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसमें टेबल का यूज नहीं करना है। तो ये कंफ्यूजन रहता है जनरली। तो मोटे तौर पर भी हम याद कर सकते हैं कि भाई डेसिमल जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, जो हम अभी यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो यदि डेसिमल वर्ड हमें कन्वर्जन के लिए आ जाता है तो फिर हमें टेबल का यूज नहीं करना है। बाकी जो हमने नए नंबर सिस्टम पढ़े हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, उसमें हम टेबल का यूज कर सकते हैं। तो टेबल बनाना सबसे पहले सीखेंगे कैसे हमें टेबल बनाना है। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1 के फॉर्म में हमें नंबर को दर्शाना है, और ऑक्टल का मतलब है कि 0 से 7 के फॉर्म में हमें नंबर को कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस कितना हो जाएगा 2 और इसे कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में बेस 8 में, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ कोई भी नंबर सिस्टम आपको दिया रह सकता है, नंबर दिया रह सकता है 1010 इस तरीके से दिया है। तो अब आपको ऑक्टल में, ये ऑक्टल 8 हो गया, ठीक है, ऑक्टल मतलब 8, बाइनरी मतलब 2, तो बेस 2 से हमें कहाँ जाना है, बेस 8 में। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, बाइनरी टू ऑक्टेल, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टेल, फिर हम देखेंगे ऑक्टेल टू बाइनरी, इसको यहीं लिख देती हूं, बाइनरी टू ऑक्टेल। ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने, सबसे पहला एग्जांपल ले लिया मैंने, हमें क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इसे ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम टेबल का यूज करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाना देखते हैं कैसे हमें टेबल बनाना है। देखिए यहां पर कितना है ये ऑक्टेल, 8 सिंबल, ठीक है, 8 का हाफ कितना होता है 4। तो पहले बारे में आपको करना है, पहले वाले रो में आपको करना है 40 प्लेस, उसके बाद 41, ठीक है, 4 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 20 21 20 21 और 2 का हाफ करेंगे तो 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। कहां से स्टार्ट करना है, 0 से आपको स्टार्ट करना है। तो ये बन गया हमारा टेबल। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि यदि हमें बाइनरी में 000 लिखा है तो उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या हो जाएगा, 0। बाइनरी में यदि 001 का कॉम्बिनेशन है तो उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से 010 का इक्विवेलेंट ऑक्टल कितना हो जाएगा, 2। 011 का 3, ठीक है, और इसी तरीके से आगे भी। यदि 3 बार 1 लिखा है बाइनरी में तो इसका मतलब क्या है, ऑक्टल में क्या लिखा है वो 7। ऑक्टल में 7 इक्वल टू 3 बार 1 इन बाइनरी, ठीक है। तो अब हमें ये क्वेश्चन आया है और हमें कन्वर्ट करके देना है। ये 3 बार तो नहीं लिखा है, ये कितनी बार लिखा है, 10 का कॉम्बिनेशन 4 टाइम्स हो गया। तो अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको ये टेबल यूज करना है। कैसे यूज करना है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको यहाँ उतार लीजिए, 1010 उतार लिया आपने, बाइनरी में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आपको यहां से वंस प्लेस से 3 डिजिट को लेना है, 3-3 का ग्रुप बनाना है, ये 3 का ग्रुप बनाना है, ये 3 का ग्रुप बन गया। अब इस 3 का बनाओ,
तो ये तो एक ही बचा। अब इस तीन में एक ही बचा, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जीरो प्लेस कर देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के इधर जीरो जितने भी लगाना चाहे हम लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू नहीं बदलती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो प्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे 010 010 टेबल में जाके चेक करिए, और इसके आगे क्या लिखा है, 2। इसका ऑक्टेल कितना है, 2, तो यहाँ लिख दिया हमने 2। 001 001 इसका ऑक्टेल कितना है, 1। तो इसका जो इक्विवेलेंट आया 8, वो ये हो जाएगा 1 2। अब आप कहेंगे कि इसको चेक करना है हमें सही है कि नहीं है, तो हम इसको आगे आपको चेक करना भी सिखाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रुपिंग करके आप उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल निकाल सकते हैं। क्या देखा अभी हमने, बाइनरी टू ऑक्टल। इसमें सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहली स्टेप है हमारे टेबल बनाना। टेबल हमें जब मिल जाती है तो हमने देख लिया उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या है। ठीक है, फिर हमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाते हुए 3 3 की क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। 3 3 का क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है, जो कि हमने अभी किया था 1 0 1 0 के केस में, ये 3 का। और फिर अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ का क्या कर देना है, 0 प्लेस कर देना है। फिर हमें नेक्स्ट जो हमने ग्रुपिंग की है उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे ऑक्टेल देखना है। 010 का हमने देख लिया 2 और 001 का हमने देख लिया 1, तो ये इसका आंसर आया 1 2। ठीक है, आंसर क्या आया, 1 2। राइट, आई होप आपको क्लियर है। अब हम डेसिमल वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमने ले लिया डेसिमल वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैंने, आप जितना भी बड़ा है घबराने की जरूरत नहीं, मेथड हमें वही अप्लाई करना है, ग्रुपिंग करना है और टेबल में देख के लिखते जाना है उसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुपिंग कैसे करना है, डेसिमल वाला अगर दिया हो, देखिए यहाँ तक तो जहाँ डेसिमल के पहले जो नंबर है हमारे पास उसको हम वैसे ही करने वाले हैं जैसे अभी तक हमने किया। कैसे किया था हमने, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वंस प्लेस से और यहाँ से हमने ग्रुप करना शुरू कर दिया था 3 3 का, क्योंकि हमें ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है 3 3 का। ठीक है, ऑक्टेल 2 की पावर 3, तो ऑक्टेल में करना है तो 3 3 का हमने ग्रुपिंग स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ से भी हम इधर से वंस प्लेस से शुरू करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेकिन जो डेसिमल के बाद नंबर दिए हमें, डिजिट दिए 1 0 के, उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया ये 3 डिजिट का, और यहाँ पे 1 डिजिट कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पे 1 0 अपना प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे अगर हम दशमलव के बाद जिस इस तरीके से लिखा है तो हम कितना भी 0 लगा लें, इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता। और यहाँ पे अगर कोई संख्या ऐसी लिखी है तो यहाँ पर हम कितनी भी 0 लगा लें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो डेसिमल के बाद राइट में हम 0 प्लेस करते हैं और डेसिमल के पहले हम लेफ्ट में 0 प्लेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कर दिया, और यहाँ पे हमने जस्ट टेबल को देखना है और उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे 110 का इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या है, 110, यह दिख रहा है हमें 110, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या है, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। 010 010, तो यहाँ लिख देंगे 2। 110 110, तो यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, डेसिमल जहाँ लगाना है वहीं लगा दिया। 101 101 को सर्च कीजिए तो ये लिखा है 101, इसके सामने क्या लिखा हुआ, 5, तो ये हो गया 5। और ये है 010, तो 0102। ठीक है, तो जस्ट आपको ये हो गया है इसका आंसर, आपको बस ग्रुपिंग करना है 3 3 की, इधर से करेंगे डेसिमल के पहले और इधर से करेंगे डेसिमल के बाद, याद रहेगा ना, इधर डेसिमल के पहले इधर डेसिमल के बाद 3 3 की ग्रुपिंग करना है, टेबल देखना है और नंबर आप उसके सामने लिख देना है, तो इससे हमें ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। अब यदि उल्टा करना है मुझे, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, जैसे सपोज यही वाला क्वेश्चन अगर मैं करूं, अब मैं कर रही हूं ऑक्टल टू बाइनरी, ये हमारा सेकेंड कन्वर्जन हो जाएगा जिसमें हम देख रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी, इसको मैं फर्स्ट में ही करती हूँ, सेकेंड इसका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि हम ऑक्टल और बाइनरी की बात कर रहे हैं तो इसको मैं एक ही में कन्वर्ट कह रही हूँ कि ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल, वाइस वर्सा। ठीक है,
तो यहाँ हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम सबसे पहले। ऑक्टल में हमें दिया होगा, ठीक है, अब जैसे ऑक्टल है, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक सिंबल रहते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसमें या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा या फिर 7 होगा, इसके बाद 8, 9 नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑक्टल में कोई भी चीज लिखी हुई जैसे 6, 7, ठीक है, यहाँ बेस आपको स्पेसिफाई किया जाएगा, ये ऑक्टल में लिखा हुआ है ना कि डेसिमल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा है। इसको आपको करना है किसमें, बाइनरी बेस 2 में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखना है 7 का इक्वलेंट क्या है बाइनरी, 7 का है 111, तो लिख दीजिए 111। 6 का क्या है 110, तो लिख दीजिए 110। बहुत ही सिंपल है, 7 का देखा 7 के जगह पे लिख दिया, 6 का देखा 6 की जगह पे लिख दिया, तो ये हो गया इसका बाइनरी इक्वलेंट, राइट। इसी तरीके से यदि कोई डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हो, डेसिमल में दिया हो, 67.00 नहीं लेते, 32 ले लेते, इस तरीके से दिया होता और हमें फिर कहा जाता कि बाइनरी में इसको कन्वर्ट करके बताइए, तो फिर इसका आंसर क्या होता, 67 का तो जो हमने देखा वही आ जाता 110111, ठीक है। 0.3 का देख लीजिए 011011, 2 का देख लीजिए 010010, ठीक है, तो ये हो गया। हो सकता है आपको MCQ आए तो उसमें ये वाला 0 नहीं हो, क्योंकि ये वाले 0 का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट बाइनरी, यदि आपको डेसिमल में दिया हो, यदि डेसिमल में नहीं दिया हो, दोनों फॉर्म हमने देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमने क्या देखा अभी, बाइनरी का ऑक्टल के साथ कैसे हो रहा है, अब हम देखते हैं बाइनरी का हेक्साडेसिमल के साथ कैसे हो रहा है। तो जब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखेंगे या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देखेंगे तो उसके लिए भी हम टेबल का यूज करेंगे कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी में दिया है तो हेक्साडेसिमल में हमें कैसे कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल को मैं हेक्सा कह रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हेक्सा शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है हेक्साडेसिमल में हम कितने सिंबल यूज करते हैं, 16 सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, और 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है 16। 2 की पावर 4 ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे 2 की पावर लगाते हैं तो ये डिसाइड करता है, जितनी पावर होती है ये डिसाइड करता है कि हमारे कितने कॉलम होंगे टेबल में। तो यहाँ 4 है तो 4 कॉलम हमारे होंगे टेबल में, ठीक है, तो मैं कॉलम नहीं बनाऊंगी, कॉलम डायरेक्ट हम मान लेंगे, तो 4 कॉलम मतलब 4 डिजिट 0000, ठीक है, तो ये 4 कॉलम हो गए हमारे। इसके बाद हमारे पास रोज कितनी आनी चाहिए, 16 रोज आना चाहिए, ठीक है, तो 16 रोज हमारे पास आएंगी। कैसे आएंगी, जैसा हमने देखा था वहां पे कितना था 8, तो 8 का हमने हाफ किया था, यहाँ पे कितना है 16, तो 16 का हाफ कितना हो गया 8, तो 8 बार पहले क्या आएंगे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 8 बार क्या आएंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 बार यहां पे लिख लीजिए 0, फिर 4 बार 1, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 1, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा 4 का हाफ 2, तो 2 बार लिख लीजिए 2 0 2 1 2 1 2 0, फिर 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है। इसके बाद 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, तो ये टेबल हमारा तैयार होगा, है ना। ये हो जाएगी 0 वैल्यू, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10, 10 की जगह क्या लिखा आएगा A, 11 B, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं ABCD, CDEF, ठीक है। तो ये हो गए हमारा क्या बाइनरी से, ये हो गए बाइनरी फॉर्म, और ये उसका हो गया हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट।
ठीक है, तो बस क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले कोई बाइनरी नंबर दिया है हमें, बाइनरी नंबर दिया है और बोल दिया गया आपको कि बेस 16 में आप इसे कन्वर्ट करके बताइए, वही करना है, ग्रुपिंग करना है। इस बार हम ग्रुप कितने का लेंगे, 4 का। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, वहां हमने लिया था 3 का, क्योंकि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ 4 का वैसे ही थीम रखना है आपको, वंस प्लेस से शुरू करना है। यहाँ पे देखिए आप वंस प्लेस से शुरू कर दीजिए, ये हो गया 4 का ग्रुप और ये हो गया 4 का ग्रुप। अगर डिजिट कम पड़ते हैं तो यहाँ पे आप 0 प्लेस कर सकते हैं, अभी डिजिट हमें कम नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो 010 इसका इक्विवेलेंट देख लेते हैं क्या है। एग्जाम 0110 कहाँ लिख रहा है, ये 0110 0110 इसके सामने क्या लिखा हुआ है इसका इक्विवेलेंट एग्जाम 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। फिर ये देख लीजिए 1101, इसको सर्च कीजिए यहाँ पे 1101, तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट एग्जाम D6। ठीक है, अगर ये डेसिमल वाला होता इस तरीके से होता तो ये तो पूरा वैसे की वैसे ही, मैंने वही ले लिया है तो ये D6 आ जाता। ठीक है, फिर पॉइंट यहां लग जाता और यहां पे हम ग्रुपिंग करना इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, यहां हमने इस तरफ से स्टार्ट करी, यहां हम इस तरफ से करेंगे। तो 1101 का देख लीजिए 1101D। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने का मेथड वही है, यदि हमें बिना डेसिमल दिया है तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, डेसिमल दिया है तो राइट टू लेफ्ट जाना, लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब ऐसे जाना है। ठीक है, और फिर ऐसे जाना है, ये डेसिमल के बाद और ये डेसिमल के पहले। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं हेक्सा टू बाइनरी, इसका उल्टा। तो ये हमें किस में दिया हुआ है, 8 नहीं आएगा, 16 आएगा, हेक्सा में दिया गया है। ठीक है, बेस 16 है, हेक्सा में दिया गया है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। ई को देखिए, ई को देख लिया, 11110 लिख लीजिए, 11110। एफ को देखिए, एफ के सामने क्या लिखा है, 111। टू को देख लीजिए, टू के सामने क्या लिखा है, 0010। तो ये हो गया बाइनरी, सिंपल। अगर इस तरीके से होता डेसिमल वाला, एफ का देख लेते हैं 1111, टू का देख लेते हैं 0010, पॉइंट डी, पॉइंट का पॉइंट यहीं आ गया, डी का देख लेते हैं 1101। टेबल देखते जाना है, लिखते जाना है, नो प्रॉब्लम। तो ये बहुत आसान है हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, नाउ हमने देख लिया बाइनरी दिया हो यदि 01 के फॉर्म में तो हमें हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करना है और ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट करना है, और इनका उल्टा भी हमने देख लिया। अब बाइनरी यहाँ पे नहीं है, अब क्या है, ऑक्टेल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टेल, मतलब बेस 8 जो है उसे हमें कहाँ जाना है, बेस 16 में, और बेस 16 जो है उसे हमें कहाँ जाना है, बेस 8 में। ठीक है, तो क्या करना है, कौन सी स्टेप फॉलो करना है आपको, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं 26 जो कि हमें दिया गया है ऑक्टेल में। ठीक है, इसको हमें करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें भी हमें टेबल का यूज करना है। सबसे पहले हमारा ये 2 स्टेप में होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में, और फिर हम बाइनरी से कहाँ पहुँचेंगे, हेक्सा डेसिमल में। ठीक है, तो बाइनरी में हमें 01 के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम ग्रुपिंग करके हेक्सा डेसिमल के फॉर्म में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें बाइनरी कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करना होता है, हमें टेबल का यूज करना होता है, तो फिर से हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाना आपको आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 स्टेप में इसे करना है, पहले हम बाइनरी में जंप करेंगे और फिर बाइनरी से हम क्या करेंगे, हेक्सा में जंप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली हमारी ऑक्टेल वाली बना लेते हैं 4 बार, फिर ये 4 बार और ये 2 बार, 2 बार
01 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
टू सिक्स को करना है, टू का इक्विवेलेंट 010 और सिक्स का इक्विवेलेंट 110, देख लिया, देख लिया। आप क्या करेंगे, बाइनरी से हेक्सा क्या करना होता है, हेक्सा में जाना है, इसलिए कितने की ग्रुपिंग होगी, फोर की, फोर की ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे, ये हो गया फोर, ठीक है, और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे जीरो प्लेस कर देंगे, और इसका फिर हम टेबल में देख लेंगे, इस टेबल में नहीं, अब हमें हेक्सा वाला टेबल लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तो हेक्सा वाला टेबल भी यहाँ पे बना लेते हैं, कहाँ पर बनाओ, यहीं पर बना लेती हूँ, तो ये हो गया हमारा एक टेबल, ये हो जाएगा हमारा दूसरा टेबल डन। कितनी बार लेना है हमें हेक्सा, मतलब 16 का आधा कितना होता है 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, जल्दी जल्दी आपको आदत हो जाएगी, बनाने लग जाएंगे आप भी, 8 फिर 4 फिर 2 फिर 1, ठीक है, तो ये हो गया टेबल, और इसका इक्विवेलेंट यहां लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह क्या लिखना है A B C D E F, राइट। अब हमें बस टेबल देखते जाना है, लिखते जाना है उसके इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे हमने देख लिया 0 1 1 0 0 1 1 0, तो ये किसके सामने लिखा हुआ है, 6 के सामने, तो लिख लीजिए इसको यहाँ पे 6, ठीक है। फिर हमारा जो ग्रुपिंग की थी वो क्या कह रहा है, 0 0 0 1, 3 बार 0 और 1, ठीक है, ये वाला, तो ये कितना हो गया 1, तो ये हो गया हमारा ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट। यदि मुझे इसका उल्टा करना होता, यदि मुझे हेक्साडेसिमल में दिया होता, ठीक है, अगर मुझे हेक्सा में दिया होता और इससे मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता, जैसे हेक्सा में दिया हो, सपोज आपको AE हेक्सा में दिया है और इसको आपको करना है ऑक्टल में, तो भी आप जो है मीडिएटर के रूप में उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी से फिर क्या करेंगे, ऑक्टल में जंप करेंगे, ठीक है। तो AE को हम कहाँ में कन्वर्ट करने वाले हैं, बाइनरी, और बाइनरी से फिर हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में, ठीक है। A का इक्विवेलेंट देख लीजिए, A 1 0 1 0 1 0 1 0, E का इक्विवेलेंट देख लीजिए, E का 1 1 0 1 1 0, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं, कितने की होगी, 3 3 की पेयरिंग कर दीजिए, ये 3 और यहाँ पे कम पड़ रहा है तो 0 लगा दें। फिर क्या करेंगे, ये वाला टेबल देखेंगे, 3 वाला 1 1 0, ये 1 1 0 किसके सामने लिखा हुआ है, 6 के सामने, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। फिर क्या लिखा है, 1 0 1 1 0 1 किसके सामने लिखा हुआ है, 5 के सामने, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। फिर क्या है, 0 1 0, तो 0 1 किसके सामने लिखा हुआ है, 2 के सामने, तो यहाँ, तो ये हो गया 256 ऑक्टेल में, ठीक है। अगर डेसिमल वाला होता तो वही मेथड अप्लाई करते, डेसिमल में मैंने आपको बताया यहाँ से आप ग्रुपिंग करते, ठीक है, और जो भी इक्विवेलेंट आता वो लिख देते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे आप लोग, इतना तो आप कर ही लेंगे। नाउ हम देखते हैं कि हमें यदि डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर दिए हैं तो हमें कन्वर्ट करना है उसे बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। अब इसके लिए चूंकि सेम मेथड होती है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस थोड़ा सा चूंकि बाइनरी है तो 2, ऑक्टल है तो 8 और हेक्सा है तो 16 यहाँ पे नंबर हम इंक्लूड कर लेते हैं। कैसे इंक्लूड करते हैं वो हम बताएंगे। तो मेथड एक ही है तीनों के लिए, डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे या डेसिमल टू ऑक्टल जाएंगे या डेसिमल टू हेक्सा जाएंगे, इनके लिए मेथड एक ही रहती है, बेस बस बदल जाते हैं, तो इनको हम एक साथ ही यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी हमें करना कैसे, कोई हमें डेसिमल नंबर सिस्टम ले लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल ले लिया, 16 डेसिमल में है, इसे हमें बाइनरी में
कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब बाइनरी में हम डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे या डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे, तीनों के लिए हमें एक ही मेथड यूज करना है। जिस मेथड में हमें जिस नंबर सिस्टम में हमें जाना है, कन्वर्ट करना है, उससे हमें उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते जाना है और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर लिखते जाना है। और कैसे लिखना है और कैसे करना है वो हम अभी देख लेते हैं। तो 16 है, इसका बेस किस में जाना है आपको, 2 में। 2 को डिवाइड, 16 को डिवाइड कीजिए 2 को, 2 से, 2 8 16, आपका क्या रिमाइंडर आया, 0। तो 0 को आप यहाँ लिख लीजिए साइड में। 2 4 8 रिमाइंडर 0, 2 2 4 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर 0। जैसे ही आपका डिवीजन होना बंद हो जाएगा, आप स्टॉप हो जाएंगे और यहाँ नीचे से ऊपर आप इस सीक्वेंस में ये जो आपके रिमाइंडर आ रहे हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। रिमाइंडर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, देखना डिजिट 1 0 0, फिर 0 0, ठीक है। तो 1 और 4 बार 0, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये 16। कैसे चेक करना है, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। टू की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसको इंटू करके प्लस करते हैं हम, ठीक है। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो ये आ गया इक्विवेलेंट 10। आया बस में, थोड़ा सा धीरे समझा देती हूँ आपको। यदि इक्विवेलेंट इसका डेसिमल निकाल, बाइनरी टू डेसिमल निकालना है, तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी टू डेसिमल में इसका वाइस वर्सा करके दिखा रही हूँ, बाइनरी टू डेसिमल 0 0 0 0, यहाँ आपको 2 की पावर 0 लिखना है, यहाँ से वंस प्लेस से स्टार्ट करना है, इसका क्या होगा इनटू, और जो रिजल्ट आएगा अभी तो क्या आएगा 0, फिर प्लस 2 की पावर 1 लिखना है इसका इनटू, प्लस 2 की पावर 2 लिखना है इसका इनटू, प्लस 2 की पावर 3 लिखना है इसका इनटू, प्लस 2 की पावर 4 लिखना है इसका इनटू। तो 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, तो ये आ गया 16। तो ये कितना हो गया इक्विवेलेंट, 16, जो कि दिया गया था। तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं, और ये अगर हमें बाइनरी में दिया हो तो इस तरीके से हम इसे डेसिमल में यही मेथड से चेंज भी वापस कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ चीजें हमारी हो जाएगी, चेक भी हो जाएगा और कन्वर्जन भी हो जाएगा। तो बाइनरी टू डेसिमल भी साथ साथ मैंने आपको सिखा दिया। अब यदि हमें यही दिया है नंबर, ठीक है, डेसिमल में, और हमसे कहा जाए कि इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट कीजिए, तो अब मैं जो डिवाइड करूंगी ना वो डेसिमल टू ऑक्टेल 8 से करूंगी, और फिर रिमाइंडर लिखते जाएंगे, 8 2 16, रिमाइंडर 0। अब डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ कितना है 2 और ये 0, 2 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्टेल में कन्वर्जन। इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 लगा के प्लस कर दीजिए, तो यहाँ गया 0, ठीक है, ऑक्टेल टू डेसिमल, ऑक्टेल टू डेसिमल, चेक भी हो गया। फिर डेसिमल से हेक्सा में जाना है। अब हमें क्या करना है, डेसिमल टू हेक्सा करना है। डेसिमल नंबर सिस्टम कोई भी ले लिया आपने, जैसे 256 ले लिया आपने 10 बेस का, इसको हेक्सा करना है 16 में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम 256 को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। सबके लिए एक ही मेथड है, तो ये तो 16 का वर्ग ही है, तो 16 16 जाएगा और ये पूरा जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा 0, फिर 16 1 16 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अब डिवाइड होना बंद हो गया है, तो अब यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे 1 0 0, ठीक है। वापस हेक्सा से डेसिमल में जाना हो तो क्या करेंगे, 1 0 0, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, सबको क्या करना है इनटू करके प्लस, तो ये तो कट ही जाएगा, ये कट जाएगा, 0 ही 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 16 का वर्ग 256, तो ये हो गया वापस डेसिमल में, क्लियर। अगर आपका रिमाइंडर, आपको ऐसी संख्या दी जाती कि रिमाइंडर जो है 11 या फिर 10 इस तरीके से आता, तो उस 10 की जगह आपको क्या लिखना होता, 8। 11 आता रिमाइंडर, तो उसकी जगह क्या लिखना होता,
बी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अभी हमने छोटी संख्या क्या लिया है, अगर इनकेस बड़ी संख्या आती है आपको और रिमाइंडर आपका 10, 11, 12 इस तरीके से आता है तो आप उसकी जगह अल्फाबेट का यूज करेंगे 16 पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, वाइस वर्सा भी हो गया, इसका डेसिमल टू हेक्सा और हेक्सा टू डेसिमल। अब हमने ये तीनों जो देखे, तीनों हमने क्या देखा, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं था। जिसमें डेसिमल पार्ट होगा उनके लिए भी तीनों में सेम मेथड है, जैसे कि इसमें थी सेम मेथड थी, बस बाइनरी था तो 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर लिखते चले गए, ऑक्टेल था तो 8 से डिवाइड किया रिमाइंडर लिखते चले गए, हेक्साडेसिमल था तो 16 से डिवाइड किया रिमाइंडर लिखते चले गए नीचे से ऊपर, ठीक है। तो हमारा कन्वर्ट हो गया पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में। अगर हमें इसका डेसिमल पार्ट दिया होता तो उसके लिए कैसे करते, एक बता देती हूँ, बाकी दो आप अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। डेसिमल पार्ट दिया, जैसे 0.25, ठीक है, ये डेसिमल में दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में आए, ऑक्टल में आए, हेक्साडेसिमल में आए, बस बेस आपका चेंज हो जाएगा, मेथड वही रहेगी। आपको क्या करना है, 0.25 को इंटू करना है 2 से, कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक पार्ट कहलाएगा इंटीजर पार्ट और एक क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन पार्ट। तो इंटीजर पार्ट को आप यहां लिखेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को यहां लिखेंगे। फिर जो फ्रैक्शन पार्ट है इसका आपको इंटू करना है फिर से 2, ये वाला जो फ्रैक्शन पार्ट आया, ठीक है। अब आप फिर से इंटू कीजिए इसका 202, 25 10, तो ये कितना आया 1.00। तो 1 इंटीजर पार्ट और ये 0.00 यहाँ, ठीक है। जैसे ही फ्रैक्शन पार्ट में 0 आने लग जाए तो आप रुक जाइए, या तो 0 आने लग जाएगा या फिर नहीं आता है तो दूसरा केस हो सकता है कि रिपीटेशन इसका होने लग जाए, ये जो फ्रैक्शन पार्ट है। तीसरा केस होता है कि ये भी नहीं हो रहा, 0 भी नहीं आ रहा, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, तो आपको 5 या 6 स्टेप तक उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन जो फ्रैक्शन पार्ट आते जा रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटीजर पार्ट अलग करना पड़ेगा और फ्रैक्शन पार्ट अलग करना पड़ेगा। आई बस समझ में, जैसे यहाँ पे 0.00 आ गया, हो सकता है यहाँ 0.2 आ जाता फिर से, तो 0.2 का फिर से मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट अलग कर देना है और फ्रैक्शन पार्ट इसका अलग कर देना है। और अब जो इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो उसके इंटीजर पार्ट से निकालेंगे, ना कि फ्रैक्शन पार्ट से, ठीक है। और उसको लिखेंगे हम नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे। अभी हम क्या कर रहा था, डिवाइड किया था तो नीचे से ऊपर लिखा था तो हमारा कन्वर्जन हो रहा है। अब डेसिमल पार्ट जब भी दिया हो आपको तो डेसिमल पार्ट का आपको क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इंटीजर पार्ट अलग करना है और लिखना है ऊपर से नीचे। तो ये हो जाएगा 0, 1, और ये पॉइंट तो लग ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट डेसिमल। इसको अगर चेंज करना, सॉरी इक्विवेलेंट बाइनरी, अगर इसको फिर से चेंज करना है मुझे, अगर इसको मुझे फिर से चेंज करना है डेसिमल में तो मैं क्या करूंगी, यहां से जब हम जाते हैं तो यहां पे हो जाता है 2 की पावर -1 और 2 की पावर -2 का इंटू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 × 1/4, जो कि कितना होता है 0.25, पॉइंट तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है ना। तो ये 1/4 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ डेसिमल तो है तो 0.25 आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, अगर ये 12.25 होता तब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, 12 का आप वैसी मेथड से करते डिवाइड मेथड से और इसको वहां लिख देते, और 0.25 का आप मल्टीप्लीकेशन मेथड से करते और इसको यहाँ लिख देते। आई बात समझ में, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मैंने लास्ट में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसको हो सकेगा तो लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम, हो सकेगा तो कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे देंगे। तो ईजी है, सिंपल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे आपको डिवाइड मेथड यूज करना है और डेसिमल के बाद जो है वो
आपको मल्टीप्लिकेशन की मेथड यूज करना है और ऊपर से नीचे जो इंटीजर पार्ट है वो यहाँ पे लिख लेना है। बाइनरी आएगा तो 2 का यूज करना है, ऑक्टल आएगा तो 8 का यूज करना है, और हेक्साडेसिमल आएगा यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए तो आपको 16 का यूज करना है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया। क्विक रिकैप करते हैं, यदि आपको बाइनरी ऑक्टेल हेक्साडेसिमल में आपस में कन्वर्जन करना है तो आपको टेबल का यूज करना है, ठीक है। 8 वाले में जाएंगे आप, ऑक्टेल में जाएंगे तो 3 वाला टेबल यूज कीजिए, 3 कॉलम वाला, और हेक्साडेसिमल में जाना चाहते हैं तो फिर आप 4 कॉलम वाला हेक्साडेसिमल वाला टेबल यूज करेंगे, ठीक है। रही बात डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम और एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल, तो तीनों के लिए आपको एक ही मेथड यूज करना है। आपको जब भी डेसिमल दिया हो और उससे किसी नंबर सिस्टम में जाना तो आपको डिवाइड करना है, अगर बाइनरी दिया है तो 2 से डिवाइड करना है, ऑक्टल दिया है तो 8 से डिवाइड करना है, और हेक्साडेसिमल दिया है तो 16 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर को लिखते चले जाना है। नीचे से ऊपर आप जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको लाइन से लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रही बात डेसिमल पार्ट की, तो डेसिमल पार्ट को आप उठाएंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस नंबर सिस्टम में आपको जाना है, चाहे बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल में। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका इंटीजर पार्ट अलग कर लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट अलग कर लेंगे, जो फ्रैक्शन पार्ट आता है उसको हम फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर से इंटीजर पार्ट अलग करेंगे, फिर से फ्रैक्शन पार्ट अलग करेंगे, और इस तरीके से ऊपर से नीचे जो इंटीजर पार्ट आता है उसको वहां लिखते जाएंगे डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जन। आई होप ये क्विक रिकैप से आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।